नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक और खास विषय पर बात करना चाहता हूँ। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ कमजोर कड़ी के ऊपर। हर व्यक्ति के जीवन में एक कमजोर कड़ी होती है। आप देखिए, आपकी कमजोर कड़ी कौन सी है? मैं इसको लिमिटिंग फैक्टर ही बोलता हूँ। आपके जीवन का लिमिटिंग फैक्टर क्या है? आपने देखा होगा, यदि एक चेन को दोनों तरफ से जोर लगा करके खींचा जाए तो कहां से टूटेगी वो चेन? जो कड़ी सबसे कमजोर होगी, चेन वहीं से टूटेगी। हम सबके जीवन में भी कुछ ऐसी कमजोर कड़ियां होती हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम, आप देखिए आपके जीवन में सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है? कौन सी एक ऐसी बाधा है जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे? और वो कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आपका शरीर ही आपकी कमजोर कड़ी हो सकता है आपका परिवार आपकी कमजोर कड़ी हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ना होना आपकी कमजोर कड़ी हो सकता है आपकी सामाजिक स्थिति ठीक ना होना आपकी कमजोर कड़ी हो सकता है किसी संगठन का साथ ना होना आपकी कमजोर कड़ी हो सकता है किसी का साथ होना कमजोर कड़ी हो। तो सबसे पहले अपनी कमजोर कड़ी को ढूंढिए कि आपके जीवन की कमजोर कड़ी कौन सी है जो आपको आगे बढ़ने में बाधा तैयार करती है, आगे नहीं बढ़ने देती है। और जब कमजोर कड़ी पता चल जाए तो उसको मजबूत करने का प्रयास करिए। उस कड़ी को ठीक कैसे किया जा सकता है? मान लीजिए आपको लगता है आपका व्यापार आपकी कमजोर कड़ी है राजनीति में। यदि आप व्यापार जो कर रहे हैं उस तरह का व्यापार करते हुए आप राजनीति में नहीं जा सकते हैं, या आप समय नहीं निकाल सकते हैं, या आपको लगता है आपकी सेहत कमजोर कड़ी है, आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं और आप राजनीति में होने वाली मेहनत नहीं कर पाएंगे, या आपको लगता है आपकी आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर कड़ी है क्योंकि आज आपकी आर्थिक स्थिति नहीं खराब है कि आप घर का खर्चा भी मुश्किल चला पा रहे हैं, आप राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो सबसे पहला काम इस कमजोर कड़ी को ठीक करें। यदि आर्थिक स्थिति है तो उसको ठीक करें। यदि आपको लग रहा है व्यापार ऐसा है तो व्यापार को या तो ऑटो पायलट मोड पर डालें या किसी को पार्टनरशिप में या सेल आउट करें और अपने लिए पैरेलली कोई और बिजनेस तैयार करें। अगर सेहत कमजोर कड़ी है तो सेहत ठीक करने का प्रयास करें या फिर सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार करनी शुरू कर दें ताकि आपकी कमजोर कड़ी ठीक हो पाए। अगर कमजोर कड़ी ठीक नहीं होगी तो यकीन मानिए ये चेन जब भी टूटेगी यहीं से टूटेगी। और बहुत सारे लोग जो राजनीति में फेल होते हैं उनका एक बड़ा कारण भी है कि उन्हें पता होता है कि ये उनकी कमजोर कड़ी है लेकिन उसको मजबूत करने का प्रयास नहीं करते, उसको ठीक नहीं करते और अक्सर वो राजनीति में सफल नहीं हो पाते। मैं चाहता हूं कि आप राजनीति में सफल हो तो आपको अपनी कमजोर कड़ी को ढूंढना पड़ेगा और उसको मजबूत करने का प्रयास करना पड़ेगा। आपके उज्ज्वल राजनीति भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।